नमस्कार। पढ़ई तुहार द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में, राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं से हिंदी नीति के दोहे नाम के पाठ को देखने वाले हैं। नीति के दोहे कविता है। इसमें दोहों के रूप में बहुत ही उपयोगी बातें बताई गई हैं, जिनको हमें समझना है। इसमें दोहे हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास, कबीरदास और रहीमदास जी द्वारा बताए गए ऐसे दोहे जो हमारे जीवन में उतारने लायक, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये स्क्रीन पे तुलसीदास जी का चित्र है। नीति के इन दोहों में मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय तथा छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है, एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। मतलब हमारे जीवन में मीठी बोली, मीठा बोलने का क्या महत्व है, और किसी भी संस्था अथवा परिवार में मुखिया का क्या महत्व होता है, संतोष रूपी धन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, परोपकार कैसी चीज है, कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ सकता है हम सबके जीवन में, समय का क्या उपयोग होना चाहिए, उपयोग का क्या फायदा है, छोटी वस्तुओं की क्या उपयोगिता होती है, किसी भी बात की अति, यानी कोई भी एक ही चीज अगर बहुत अधिक मात्रा में हो तो उसे अति कहेंगे। तो किसी भी बात की अगर अति होती है तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इनको समझाया भी गया है और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। आइए देखते हैं। पहला दोहा, तुलसी मीठे वचन तें सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर। तुलसीदास जी के ये दोहे हिंदी की उपभाषा या बोली अवधि में लिखे गए हैं, जिसमें कुछ शब्द बिल्कुल भी हिंदी जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ शब्द थोड़े अलग होते हैं जो कि पर्यायवाची होते हैं उस शब्द के। तो इसका अर्थ समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी बोली से, मीठे वचन से चहु ओर, मतलब चारों ओर, हमारे चारों ओर, हमारे आसपास जब हम मीठा बोलते हैं तो जो भी मौजूद होता है उसके मन में सुख उत्पन्न होता है, यानी उसको अच्छा महसूस होता है। मीठी बोली से सुनने वालों को अच्छा महसूस होता है। परिहरि का अर्थ है त्याग देना। वचन कठोर, यानी कठोर बोली को हमें त्याग देना चाहिए और मीठी बोली को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह मीठी बोली एक ऐसा मंत्र है जो सामने वाले को, सुनने वाले को बोलने वाले के वश में कर लेती है। यानी एक ही बात हम अपने व्यावहारिक उदाहरणों में भी देखें, अगर कोई मीठे शब्दों में कहता है तो सामने वाले पे उसका सकारात्मक असर पड़ता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को तुम बोलो कि एक गिलास पानी ले आओ, अगर तुम यही इसी को अगर हम कठोर वचन में डांट करके कहते हैं, डांटने के लहजे में, तो उसे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी वो पानी दे भी दे या ना भी दे, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर यही हम प्रेम पूर्वक मीठे शब्दों में कहेंगे तो वो अवश्य ही उस बात को मानेगा। क्यों? क्योंकि मीठे शब्द उसके मन पर वश कर लेते हैं, अच्छे लगते हैं सुनने वाले को, तो वह उस बात को अवश्य ही मान लेता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें अपने जीवन में मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए। बात वही हो पर शब्द ऐसे हो जो सुनने वाले को अच्छे लगे। अगला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हम एक पौधा अगर लगाते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, खाद भी डालते हैं। तो पानी हम पौधे की पत्तियों में डालते हैं क्या? नहीं। उसके तने पे डालते हैं क्या? नहीं। जड़ में डालते हैं? केवल जड़ में डालते हैं। लेकिन क्या पानी का असर केवल जड़ पे होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पानी हम जड़ में डालते हैं तो पौधे का पूरा शरीर तरोताजा होता है, यानी कि पत्तियां भी हरी होती हैं, फूल भी खिलते हैं और पौधा बड़ा भी होता है। तो इसी तरह से तुलसीदास जी का कहना है, तुलसी सहित विवेक, मतलब मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया यानी जो परिवार का सबसे प्रमुख व्यक्ति है या अथवा संस्था का प्रमुख व्यक्ति है, उसको ऐसा चाहिए कि वो पूरी तरह से विवेक का पालन करे, पूरी तरह से धैर्य का, समानता के व्यवहार का पालन करे। और इस तरह से जैसे हम अपने मुंह में भोजन करते हैं, हम अपने हाथ में भोजन नहीं करते, पैर में भोजन नहीं करते, लेकिन हमारा पूरा शरीर जो है उसी भोजन से पालित पोषित होता है। इसी प्रकार हमारे परिवार का मुखिया जो है वो परिवार का मुख होता है। तो उसको कहीं से भी, बाहर से कहीं से भी जो चीजें आती हैं वो परिवार के मुखिया के पास होती हैं, तो उसको ये चाहिए कि उसके पास जो भी चीज है, कम है या अधिक है, पूरे परिवार को विवेक के साथ, समानता के साथ पालन पोषण करे। यानी यहाँ पर तुलसीदास जी ने हमारे शरीर में जो स्थान मुख का है वो स्थान ही मुखिया को, परिवार के प्रमुख व्यक्ति को अथवा संस्था के प्रमुख व्यक्ति को दिया है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो परिवार का मुखिया है वो अच्छी अच्छी चीजें खाए और बाकी परिवार के लोगों को भूखा रखे, अपने अच्छे से रहे, बाकियों को तकलीफ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास ही सब कुछ है, फिर भी सबके साथ समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। आइए अगला दोहा देखते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, जहां आप जा रहे हो, जिस व्यक्ति के घर में आप जा रहे हो, अगर आपके जाने से उसके हृदय में खुशी का अनुभव नहीं होता है, आपको देखकर वो खुश नहीं होता है और उसके आंखों में स्नेह का भाव नहीं दिखाई देता है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी रिश्तेदार, दोस्त अथवा किसी भी व्यक्ति के घर किसी भी कार्यवश या कारणवश जाते हैं तो वो या तो खुश होता है या तो दुखी होता है। तो अगर वो खुश होता है तो हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन अगर वो खुश नहीं होता है, यानी उसका हृदय हर्षित नहीं होता है, उसके आंखों में हमारे लिए स्नेह की भावना नहीं है, तो वहां हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए, भले ही उसके घर में सोने की वर्षा क्यों ना हो रही हो। कहने का मतलब है कि कोई अमीर हो अथवा गरीब हो, अगर वो आपके साथ स्नेह का व्यवहार नहीं करता है, आपको देखकर खुश नहीं होता है, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यानी हमें वहीं जाना चाहिए जहां हमें स्नेह भाव, प्रेम भाव, खुशी महसूस हो। आइए अगला दोहा देखते हैं। तुलसी संत सुअंग तरु,
फलहि पर हेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। इस दोहे में तुलसीदास जी ने सज्जनों, संत मनुष्यों या अच्छे इंसानों की बात की है। संत, संत कहने से मतलब है सज्जन मनुष्य अथवा अच्छे इंसान। संत लोग आम के अच्छे पेड़ की तरह होते हैं। जो अच्छे मनुष्य है वे आम के अच्छे पेड़ की तरह होते हैं। आम के पेड़ में क्या होता है, उसके जो फल होते हैं या फिर उसके जो फूल यानी मंजरियां होती हैं वो किस लिए होती हैं? क्या वे मंजरियां आम के पेड़ के काम में आती हैं या उसके फल आम के पेड़ के काम में आते हैं? नहीं, उसके फूल हो चाहे उसके फल हो सभी दूसरों के काम में आते हैं, हम लोगों के काम में आते हैं, मनुष्यों के काम में, पशु पक्षियों के काम में। जबकि छोटे बच्चे क्या करते हैं गांव में, जैसे आम का फल देखा लगा हुआ, पत्थर उठाते हैं और पत्थर उठाकर आम के पेड़ पे फेंक देते हैं, यानी कि आम के पेड़ को पत्थर से मारते हैं। फिर भी आम का पेड़ क्या करता है, दौड़ा के मारता है क्या बच्चों को? नहीं, आम के पेड़ को जब पत्थर लगता है तो वो अपना फल गिरा देता है। यानी इधर तो हम आम के पेड़ को पत्थर से मारते हैं और उधर आम हमें फल देता है। इसी प्रकार सज्जन मनुष्यों का स्वभाव होना चाहिए। जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनके पास जो धन संपत्ति होती है, अगर अधिक धन संपत्ति है उनके पास स्वयं के उपयोग से कहीं अधिक, तो वे अपने धन को परोपकार में खर्च करते हैं, गरीबों के लिए खर्च करते हैं, बीमारों के लिए खर्च करते हैं, मजबूरों के लिए खर्च करते हैं। तो इस प्रकार जैसे आम का पेड़ पत्थर खाने के बाद भी फल देता है और अपने फूल और फल दूसरों के लिए ही सुरक्षित रखता है, वैसे ही सज्जन मनुष्य अपनी, चाहे उनकी आर्थिक शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, जो भी उनके पास होता है वे समाज के लिए, दूसरों के लिए यानी परोपकार के लिए अपना खर्च करते हैं और करना भी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब जो तस्वीर है स्क्रीन पे वो रहीमदास जी की तस्वीर है और ये दोहे भी रहीमदास जी के ही हैं। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। इसका तात्पर्य है तरुवर का मतलब पेड़, फल नहीं खाते हैं, वृक्ष जो है वे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर यानी सरोवर तालाब, पिए ही न पान, पान यानी पानी, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। जितने भी तालाब हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, वे सभी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। ठीक इसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित, दूसरों के हित के कार्यों के लिए यानी परोपकार के लिए संपत्ति सच ही सुचा, यानी सज्जन व्यक्ति अपने संपत्ति का संचय करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं वे अपने धन को बचाकर संग्रह करके और उससे परोपकार का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं न खाकर परोपकार में लगाते हैं और तालाब अपना पानी स्वयं न पी करके परोपकार में लगाता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। ऐसा सामान्यतः होता है कि जो छोटे होते हैं उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जो बड़े होते हैं उनको थोड़ा उनसे ज्यादा ही महत्व दिया जाता है। कभी कभी हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, छोटों को नजरअंदाज करते हैं, ये क्या है, कुछ नहीं, ऐसा महसूस होता है। पर रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि देख ही बड़े इनको, बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी,
यानी छोटों को नजरअंदाज न कीजिए, यानी उनका महत्व न कम न कीजिए, उन्हें फेंक न दीजिए। बड़ों को देख करके छोटों को महत्वहीन न कीजिए, क्योंकि जहां काम आता है सुई, वो काम तलवार कभी भी नहीं कर सकता। सुई छोटी सी होती है और तलवार बड़ा सा होता है। लेकिन अगर किसी कपड़े को सिलना है तो तलवार में धागे लगाकर सिला जा सकता है क्या? नहीं, वो काम तो सुई ही कर सकती है। तो इसी तरह से बड़े का भी महत्व अपने स्थान पे उतना ही होता है और छोटे का भी महत्व अपने स्थान पर उतना ही होता है। व्यावहारिक तौर पर अगर हम देखें तो कभी कम ऊंचाई वाले बिस्तर के नीचे अगर कोई चीज गिर जाती है तो हम बड़े लोग उसके नीचे घुसकर नहीं निकाल पाते हैं, तब हम किसी छोटे बच्चे को ही बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि इसको निकाल दो। तो कुछ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कहीं छोटी सी जगह उसमें घुसना है तो बड़े लोग नहीं घुस पाते हैं और छोटे लोग वहां जा करके काम करके आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, कहीं दौड़ कर किसी को बुलाना है तो तुरंत बड़े लोग उतनी रफ्तार से जा करके नहीं बुला के ला पाते हैं, पर आप लोग बुला कर ले आते हो। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी उदाहरण हो सकते हैं जहां पर हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कभी कभी छोटे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और कभी कभी बड़े ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए किसी का भी महत्वहीनता का अनुभव किसी को नहीं कराना चाहिए, किसी का महत्व कम नहीं समझना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। अगला, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसको समझने से पहले थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि जब हम अपने आसपास देखते हैं किसी बच्चे ने कुछ, चलो ये जो है गुटखा खाने लगा। कैसे खाने लगा भाई, गुटखा तो बहुत नुकसानदेह होता है, इतना बताते हैं हम लोग, क्यों खाने लगा? तो वो बोलता है, अरे नहीं, हमारे दोस्त लोग खा रहे थे, मुझे खिला दिया जबरदस्ती और अब मैं खा रहा हूँ। तो इस चीज को लोग इस तरह से देखते हैं, इसकी संगति ने इसे बिगाड़ दिया, यानी ये बुरी संगति में पड़ के बुरा हो गया। पर रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिसका चरित्र या स्वभाव अच्छी उत्तम प्रकार का है, का करी सकत कुसंग, कुसंगति यानी बुरे लोगों की संगति भी उसका कुछ नहीं कर सकती है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कैसे नहीं बिगाड़ सकती है? क्योंकि चंदन के पेड़ पे हमेशा ही भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, हमेशा ही सांप चंदन के पेड़ से लिपटे होते हैं और उसमें डंक भी मारते रहते हैं समय समय पर, पर फिर भी कभी भी चंदन की लकड़ी या फिर चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता है। तो जब हमेशा सांप के लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता है, इसी तरह हमारी संगति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जैसी भी हो, अगर हम अपने आत्मविश्वास को अच्छे से दृढ़ करके रखते हैं तो हमारी ये कुसंगति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी हम उन बुरी आदतों के शिकार नहीं हो सकते। हम जब खुद ही स्वयं ही कमजोर पड़ते हैं और स्वयं ही गलत कदम उठाते हैं तभी हम गलत करते हैं और दोष कुसंगति पे उसका देते हैं। तो इस तरह से रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने प्रकृति को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के और ऊंचा करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी कुसंगति, कोई भी ऐसा दोस्त या ऐसा आसपास का रहने वाला जिसके अंदर कोई भी बुरी आदत है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। अगला, रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखौं गोय, सुनी इठलई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोय। रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन का दर्द, अपने मन का दुख मन ही राखो गोए, मन के अंदर ही गोए यानी छिपा कर राखो यानी रखना चाहिए।
अपने मन का कोई ऐसा अगर दर्द है, ऐसी अगर व्यथा है, वो हमें किसी से कहनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? सुनी इठिलई हैं लोग सब, ये जो दुनिया के लोग हैं ये सुन करके उसके मजे लेंगे, उपहास करेंगे, बांटी न लई है कोई, कोई भी उस दुख दर्द को बांटेगा नहीं। यानी रहीमदास जी के अनुसार हमें कुछ हमारे व्यक्तिगत व्यथाएं, दुख या दर्द ऐसे हो सकते हैं या ऐसे होते हैं जो अगर हम दूसरों को बताएं तो वे उसके मजे लेंगे या फिर उस पे उपहास करेंगे, बांटेंगे नहीं, बांटने का, हमदर्दी दिखाने का कोशिश नहीं करेंगे, या कोशिश करेंगे भी तो वास्तव में नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने उन व्यथाओं को, दुखों को, दर्द को अपने मन में ही छिपाकर रख लेना चाहिए, भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। उसी दर्द को हमेशा समेट करके और उसी की चर्चा करके अगर लोगों के बीच में हम उपहास का कारण बनते हैं तो वो दर्द हमारा घटता नहीं है और बढ़ जाता है। तो इसलिए उसके मन के किसी कोने में दबा देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। आइए अगले दोहे में देखते हैं। अब जो तस्वीर है ये कबीरदास जी की तस्वीर है और ये दोहे कबीरदास जी के हैं। कबीरदास जी का पहला दोहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, यानी जो अच्छा काम, अक्सर हम किसी काम के लिए, चलो अभी तो तुम लोगों के साल भर से स्कूल बंद हैं तो कोई टेंशन ही तुम लोगों को नहीं, हम लोग होमवर्क देते भी हैं तो करते हो नहीं करते हो, क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ऐसे जो भी होता है, कुछ भी करने के लिए बोला गया कि इस चीज़ को करना है तो सोचते हैं चलो ना कल कर लेंगे। हमेशा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है लास्ट डेट पर या फिर लास्ट डेट के एक दिन और बाद कि मैडम एक दिन का और समय दे दीजिए। ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि हर काम को टालता है, आज नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, इस तरह का हर मनुष्य का स्वभाव होता है। तो वो नहीं होना चाहिए कबीरदास जी के हिसाब से। उनका कहना है कि जो कल करना है तुम्हें उसको तुम आज ही कर लो, और जो आज करना है उसको अभी ही कर लो ना, अभी ही कर लो। मतलब इंतजार किस बात का कर रहे हो? पल में परलय होएगी, उनके कहने के हिसाब से ये जो क्षण है, आने वाला क्षण कैसा होगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आगे हो सकता है कि तुम जो कल करने का सोच रहे हो तो कल कोई परेशानी आ जाए या कोई और ऐसा जरूरी काम आ जाए कि कल तुम उसको ना कर सको, इसलिए तुम उसे आज ही कर लो। तो पल में प्रलय भी हो जाती है, प्रलय हो जाएगी तो फिर कब करोगे इन कार्यों को जो जरूरी कार्य है तुम्हारे। उनका कहने का मतलब है कि काम को कल पर या बाद में करेंगे पे नहीं टालना चाहिए। क्षण भर में वक्त बदल सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो भी करने के लिए सोचे हो उसको जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। आज के लिए जो है उसको अभी ही कर डालो, अभी आज वाला पूरा हो गया तो कल वाले को कर लो आज। इस तरह से उनकी ये शिक्षा है कि हमें काम को टालना नहीं चाहिए। माला तो कर्मे फिरे जीभ फिरे मुख मार, मनुमा तो चहु देसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। ये पूजा और भक्ति से संबंधित दोहा है। आजकल ज्यादातर लोग भक्ति कैसे करते हैं इसका उन्होंने वर्णन किया है कि हाथ में माला ले लिए हैं और उसको फेर रहे हैं और जीभ मुंह में फेर रहे हैं, चलो राम राम बोल रहे हैं या कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं राम राम बोल रहे हैं और माला हाथ में फिर रही है और जीभ मुंह में फिर रहा है, राम राम बोल रहा है, लेकिन मन कहाँ है? मन चारों दिशाओं में भटक रहा है। मन सोच रहा है नाश्ते में क्या बना है, आज नाश्ते में जलेबी बनी है क्या, इडली डोसा खाना है आज मन कर रहा था ऐसा हो उसको, अरे किसी से पैसे मांगने हैं, कुछ नहीं निकल तो नहीं जाएगा पूजा खत्म होते तक, इस तरह की चीजें, मेरे बेटे का एग्जाम है, उसको बुखार है,
इस तरह की चिंताएं, मतलब हर दिशा में घूमता रहता है मन। यानी कि मन कहाँ है? मन न तो ईश्वर में है, न माला फेरने में है, न राम के नाम में है। तो इस तरह से अगर हम राम राम का जाप करके भी माला फेर भी रहे हैं, तो भी इसको भगवान का स्मरण या पूजन नहीं कहा जा सकता है। भगवान का स्मरण या भगवान का पूजन तभी कहा जा सकता है, माला और जीव चाहे फिरे ना फिरे, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय ईश्वर के चरणों में लगा होना चाहिए। मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मन अगर नहीं भटक रहा है तो माला भी फेर लिए और नाम भी जप लिए, तो वह वास्तविक स्मरण कहा जाता है, वास्तविक पूजा कही जाती है। अगला, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो हमें दाल खानी है, दाल हमारी एक कटोरी और आधी कटोरी हमने नमक ही डाल दी है, तो दाल अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। और हमने पूरा पानी ही पानी डाल दिया है, पानी ही पानी, दाल के एक दो दाने हैं, तो भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर दाल ही दाल है, पानी है ही नहीं, सूखा एकदम है, तो भी अच्छी नहीं लगेगी। हल्दी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो भी दाल अच्छी नहीं लगेगी। ये तो दाल का उदाहरण है, यानी कि उसमें दाल के हिसाब से पानी और पानी के हिसाब से दाल और कुल दाल की मात्रा के हिसाब से नमक और हल्दी का होना आवश्यक है, और बराबर पका भी होगा, तभी हम उसको अच्छे से खा सकते हैं, तभी वो दाल अच्छी हो सकती है। इसी बात को कबीरदास जी अपने दोहे में समझा रहे हैं कि अति का भला न बोलना, कि अगर कोई मनुष्य आए और वो बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए, सिर्फ बोलता ही जाए, सुने ही नहीं, तो अच्छा लगेगा नहीं। यानी कि ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है। और अति की भली न चूप, और अगर कोई एकदम से चुप है, वो कुछ बोले ही नहीं, तुम बोलो वो जवाब भी न दे, हाँ भी न बोले, ना भी न बोले, जहां अति आवश्यक है वहां भी न बोले, तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं। यानी ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है और एकदम से ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। जैसे अगर बारिश होने लगे और बारिश और बारिश और बारिश, दिन भर बारिश, रात भर बारिश, आज भी बारिश, कल भी बारिश, अगर लगातार इसी तरह 10 दिन 15 दिन बारिश ही बारिश होती रहे, तो कैसा लगेगा? सब तरफ पानी हो जाएगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा बरसना भी अच्छा नहीं होता है पानी का। और अगर धूप उगे और धूप ही उगी रहे, 6 6 महीने तक बारिश ना हो, कितनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, उतनी ज्यादा गर्मी भी जानलेवा हो जाएगी, अधिक बारिश भी जानलेवा और अधिक धूप भी जानलेवा। कबीर दास जी का कहना है कि जिस प्रकार पानी का अधिक बरसना और धूप अधिक होना, ये दोनों ही अच्छे नहीं होते हैं, वैसे ही ज्यादा बोलना या फिर ज्यादा चुप रहना, ये भी अच्छा नहीं होता है। कुल मिलाकर शिक्षा ये है कि किसी भी चीज की अति, मतलब किसी भी चीज का अत्यधिक होना अच्छा नहीं है। हर चीज एक अनुपात में ही शोभा देती है। तो हमें कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी सामान ही अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको सोच समझ के करना चाहिए, अति किसी चीज की नहीं करनी चाहिए। अगला, दुर्लभ मानुष जन्म है, देई न बारंबार, तरुबर तें पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीर दास जी कहते हैं, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य का ये जो जन्म है बहुत दुर्लभ है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो किसी भी जीव के अंदर आत्मा होती है, वो बहुत सारे जन्म लिया करती है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सांप, मछली, शेर, कुछ भी,
और सबसे मुश्किल होता है जब सब जन्मों में अच्छा कर्म कर चुका होता है, कोई भी आत्मा जब बहुत सारे जन्म लेके अच्छे कर्म कर चुकी होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। कबीर दास जी का कहना है कि मनुष्य का जन्म किसी के लिए भी बहुत दुर्लभ होता है और ये बार बार नहीं मिलता। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिल सकता। क्या पता अगले जन्म में हम चींटी बन जाएं, ऐसा तब बार बार यही मिल पाएगा क्या? इसलिए हमें सभी अच्छे कर्म करने चाहिए। जितनी भी शिक्षाएं दी, परोपकार करना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए, स्मरण अच्छे से करना चाहिए, ये सब हमें इस मनुष्य जन्म में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि किसी भी पेड़ से एक पत्ता जो झड़ जाता है, क्या वो वापस पेड़ पे लग पाता है? कभी नए पत्ते अवश्य आते हैं, लेकिन जो पत्ता झड़ गया वही वापस पेड़ में नहीं लगता है। तो इसलिए हमें अपने इस मनुष्य जन्म को महत्व देना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, कुसंगति में पड़ के बुरे आदत अपने आप को नहीं लगाने चाहिए, अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म जो कि बार बार नहीं मिलेगा उसका सदुपयोग करना चाहिए। अब ये गृह कार्य है, इसमें पहला देखिए, हमने कल कबड्डी खेला, यानी ये कार्य अभी की स्थिति में देखें तो हो चुका है। दूसरा है, हम कबड्डी खेल रहे हैं, यानी अभी हम खेल ही रहे हैं, ये कार्य अभी हुआ नहीं है, यानी अभी की स्थिति में हो रहा है। फिर तीसरा है, हम कबड्डी खेलेंगे, यानी ये कार्य अभी हुआ भी नहीं है, हो भी नहीं रहा है, ये भविष्य में होगा। तो क्रिया के ये तीन, काल के ये तीन रूप होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब जो बीते समय में हुए कार्य का बोध कराती है, वर्तमान काल का मतलब क्रिया वर्तमान में चल रहे कार्य का बोध कराती है, और भविष्य काल का मतलब क्रिया भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराती है। अब नीचे 10-15 वाक्य दिए गए हैं, इनका काल पहचान करके लिखना है। शायद चोर पकड़ा जाए, भविष्य काल, पुजारी पूजा करता है, वर्तमान काल, मोहन आया, भूतकाल, यह देखता है, वर्तमान काल। इस तरह से इन 15 लाइन के काल पहचान करके लिखने हैं। और दूसरा है, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, सांप, सोना, पेड़, सरोवर, तलवार, इन सब के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यानी इस शब्द के जो अर्थ हैं वही उन पर्यायवाची शब्दों के भी अर्थ होने चाहिए, समान अर्थ होने चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए, तो वो पर्यायवाची होता है। तीसरा है, नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप मैं बोल करके बताती जा रही हूं, जैसे स्नेह, मेह, ये सब जो रूप हैं वे तद्भव रूप होते हैं। तद्भव रूप यानी हिंदी के शब्दों के रूप को थोड़ा सा अपने मुख सुख के लिए बिगाड़ करके जो हम लोग बोलने लगते हैं और प्रयोग करने लगते हैं, वो होता है तद्भव रूप। और तत्सम रूप होता है सही रूप। स्नेह का तत्सम होगा स्नेह, मेह का तत्सम होगा मेघ, धूरी का तत्सम धूलि, रतन का तत्सम रत्न, तरवारी का तत्सम तलवार, परलय का तत्सम प्रलय, दुर्लभ का तत्सम दुर्लभ, जन्म का तत्सम जन्म, हर्ष का तत्सम हर्ष। ऐसे ही चौथा है, विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखना है, कठोर, विवेक, हर्ष, संतोष, हित, परमार्थ और लघुकार। ये सब लोग लिखेंगे और उसको मुझे शेयर करेंगे। नमस्कार।